अब तक आपने देखा। लोगों को अब तक ये बात मालूम नहीं है कि जिस सुल्तान अल्तमश की बेटी के साथ आप निकाह कर रहे हैं उसी सुल्तान अल्तमश के खानदान के आप कातिल हैं। पहले तो आपको अपनी माशूका को विदा होते हुए देखना है, फिर हमारे निकाह के बाद हम आपकी जान लेंगे। अब आगे हुजूर आला ये पान लीजिए, ये खास बनारस से मंगवाए हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खैर, हमारे निकाह में आइएगा जरूर, हमें आपका इंतजार रहेगा। बात आम हो जाएगी, पर्दाफाश हो जाएगा। ये ताज हमें दे दो, ये दौलत हमारे नाम कर दो। सिपाहियों, सिपाहियों, आपके पास वक्त बहुत कम है सुल्तान, जो भी फैसला लेना है बहुत जल्द लेना होगा। चमड़े की जुबान है, अगर कहीं फिसल गई तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। अमा जारून मियां, यहां हमारे दिल में शोले दहक रहे हैं और तुम वो के बुत बन के हमें घूर रहे हो। तुम्हें पता भी है, सदियों से तरस रही थी ये मुलाकात, पर एक लम्हे सी रात में खत्म हो गई। पर शहजादी के साथ बिताई उस रात में न जाने हमने कितनी सदियां जी, कितने ख्वाब बुन ली, कितनी दास्तानें सुन ली। रे मियां, बस शायरी करते रहोगे या फिर मुद्दे पर भी आओगे? मुद्दा यह है हजारून मियां कि शहजादी रजिया का उस बुड्ढे के साथ ये निकाह हमें मंजूर नहीं है। तो आपके ना मंजूर करने से क्या होगा? उस बुड्ढे को शहजादी रजिया की मजबूरी का फायदा हम नहीं उठाने देंगे। ये निकाह हमें रोकना होगा। तो क्या कर लोगे आप? हाँ, हम उसका कत्ल कर देंगे। अच्छा, और खुद चढ़ जाओगे सूली पर? तो फिर क्या करें? बस ये निकाह नहीं हो सकता। मियां, अब हम तो ठहरे खच्चर, अब जो सलाह हम आपको देंगे वो तो आप मानोगे नहीं, फिर सलाह देकर क्या फायदा? सलाह दोगे तो कुछ देर तक जिंदा रहोगे, और सलाह नहीं दोगे तो अभी मार डालेंगे। तो जब दोनों सूरतों में मरना ही है तो बेहतर होगा कि सलाह देकर मरो। मियां, तो ख्वाजा के दरगाह पे जाओ, सर झुकाओ, इबादत करो और दुआ मांगो। देखना मियां, आपकी दिल की मुराद जरूर पूरी होगी। अच्छा, और फकीर हो जाए, हाथ में चिमटा लेके कलंदरों की तरह नाचने लगे? अरे, हमारे दुआ मांगने से कोई करिश्मा थोड़ी हो जाएगा। तुम कब से दरवेश हो गए? इसलिए हम सलाह नहीं देते आपको। मियां भूलिए मत, शहजादे यासिर की जान कैसे बची थी? याद है, पर वो दुआ शहजादी ने मांगी थी। वो बहुत पाक दिल है, हमारी दुआ मालिक के कानों तक नहीं पहुंचेगी। जारून मियां, उसकी रहमत पर करके भरोसा, तू गुना पे गुना किए जा रहा है। मियां हमारी बात मान, हम पर भरोसा कीजिए, हर चीज मिल सकती है अगर सच्चे दिल से दुआ मांगेंगे तो। अब बस एक बार कोशिश करके देख लीजिए, और अगर ना हुआ तो मियां आपका जूता और हमारा सर। हाँ बोलिए, मंजूर है? पर मारेंगे 10 जूते और गिनेंगे एक। अरे मियां, कभी इस नाचीज की बात तो मानकर तो देखिए, तजुर्बेकार है। बस यूं ही सलाह नहीं देते फिरते। सुनते हैं हर चीज मिल जाती है दुआ से, एक दिन तुझे भी मांग के देखेंगे खुदा से।
आपके लिए ये भी आजमा कर देख लेते हैं माता। मिर्जा हम कह रहे थे कि जो भी हुआ उस रात को। क्यों, कुछ ऐसा वैसा हो गया क्या माता? अरे हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मस्करी मत कीजिए, हम उस रात वो बातें उसकी बात कर रहे हैं। ये बातों की ही तो बातें हैं मोहतरमा, ये बातें ना हो तो हमारी और आपकी मोहब्बत की दास्तान कौन लिखे? ना कोई दास्तान होगी, ना कोई सुनने वाला, ना कोई सुनाने वाला। ख्वाबों की दुनिया यूं नहीं सजाई जाती मिर्जा, हकीकत का आईना कुछ और ही तस्वीर दिखा जाता है। बेहतर यही होगा कि आप हमसे दूर चले जाइए। यही तो मुश्किल है मोहतरमा कि हम आपके पास आए ही कहां, तो दूर चले जाए। ये सब करके आप हमारी मुश्किल और बढ़ा रहे हैं मिर्जा। हमारी बस एक गुजारिश है आपसे कि हमारा निकाह पड़े जाने तक दूर रहिए हमसे। ठीक है मोहतरमा, आपका हुक्म सर आंखों। अलविदा। मतलब आप सच में चले जाएंगे? तो आप तो यही चाहती हैं ना, तो हम जा रहे हैं। आपकी दुनिया, आपकी महफिल और आपकी महब। मेरे मोहब्बत नहीं मोहतरमा, हम अपनी मोहब्बत अपने साथ लेकर वापस जा रहे हैं। हम सच में जा रहे हैं मोहतरमा। अलविदा। हम सच में जा रहे हैं मोहतरमा। पर जाने का गम हमें नहीं, गम तो इस बात का है कि हमारे जाने के बाद आप सताएंगी किसे। देखिए मोहतरमा, झूठ आप बोलती नहीं और सच आप बोल नहीं सकती, तो यूं सैर पे तो जा नहीं रही होंगी आप, तो कहां जा रही थी ऐसे बदहवास? हम तो बस ये देख रहे थे कि बला टली है नहीं। हम आपको पहले भी कह चुके हैं मोहतरमा, ये बला आपके गले पड़ गई है। भाड़ में जाइए आप हमारी बला से। मौला मेरे मौला, हमी से मोहब्बत और हमी से लड़ाई। ये लो जारून मियां, तुमने जैसा कहा हमने वैसा कर लिया, सर झुकाकर गुजारिश भी कर ली, हाथ उठाकर दुआ भी मांग ली। लगता है ऊपर वाला आशिकों की सुनता नहीं जल्दी, शायद दुनियावी कामों में मसरूफ रहता है, इसलिए उसने हमारे सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। पर सवाल यह है कि शहजादी को उस बुढ़े खूसट से निकाह करने से रोका कैसे जाए? अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा।
अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। मस्त मलंग तू मस्त मलंग, थकता क्यों है नया नया, रूप धरे है छलिया का, कौन तेरे मन बसिया का। जितने भी रूप बदल लो मियां, मिर्जा को धोखा नहीं दे पाओगे। मियां, मिर्जा से तेज नहीं भाग पाओगे तुम। अब इससे पहले हम तुम्हें धोना शुरू करें, बताओ कौन हो तुम? हमने तुम्हें सुल्तान यल्दोस को पान देते देखा। ये पान लीजिए, ये खास बनारस से मंगवाए। और उसी के साथ उनके चेहरे की हवाइयां उड़ते गई। वो कौन तुम? बस उनके सुल्तान यल्दोस के ताज की हसरत है हमें, और कुछ नहीं। अरे एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या देगा? सुल्तान यल्दोस तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देगा, ताज तो बहुत दूर की बात है। और वैसे यल्दोस तुम्हें अपना ताज क्यों देने लगा? रिश्तेदार है क्या? देना पड़ेगा उसे, जबरदस्ती छीन कर लेंगे उससे। किसी दिन जान से हाथ धो बैठोगे मियां इस पागलपन में। कल दोस्त के दुश्मन हो इसलिए दोस्त समझ के मशवरा दे रहे हैं। अगर दोस्त कहा है तो दोस्ती के खाते एक बार उस महल में दाखिल करवा दो हमको, फिर देखना यल्दोस खुद वो ताज हमारे हवाले कैसे करता है। इतना यकीन खुद पर? खुद पे नहीं, उस राज पे यकीन है जो यल्दोस कभी नहीं चाहेगा कि वो सबके सामने आए। कैसा राज? इतनी जल्दी भी क्या है दोस्त, एक बार वो ताज हमारे हाथ आने दो। वादा करता हूँ जश्न तुम्हारे साथ ही मनाऊंगा। लगता है मालिक ने अपना जवाब दे दिया, हमारी दुआ कबूल हुई। चलो हमारे साथ। क्या कह रहे हैं हुजूर आला? उस कातिल को ये पता है कि शाही खानदान के कत्लेआम में आपका हाथ था? ये कैसे हो गया? आपने तो सारे सबूत सारे निशान मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर ये कैसे हो गया? कत्ल होने वालों के निशान मिट जाते हैं शातुरकन, पर कातिल अपना निशान छोड़ ही जाता। पर हमें ये गुमान नहीं था कि वो कातिल हमसे ही जालसाजी करेगा। चाहता क्या है वो? दौलत मांगता तो दे देते, पर वो हमसे हमारा ताज मांग रहा है। तो दे दीजिए ना, आप दूसरा बनवा लेना। ये ताज हमारी शान है, हमारा गुरूर है शातुरकन, और कोई भी ऐरा गैरा हमें गीदड़ भपकी दे और हम डर जाए ऐसा हो नहीं सकता। हमारे आदमी गए उसे ढूंढने के लिए, और कुछ ही पलों में मौत की आगोश में होगा। आप तो सुल्तानों के सुल्तान हैं, आपके एक इशारे पर तो सल्तनतें पलट जाती हैं, पर इस नाचीज के बारे में तो सोचें, बेमौत मारे जाएंगे हम, कफन तक नसीब ना होगा हमें अगर उसने अपनी जबान खोल दी। आप भी इस साजिश में शामिल हैं, ये बात वो कातिल नहीं जानता। और वैसे भी आप ठहरी हमारी दोस्त, अब जब दोस्ती की है तो मरते दम तक निभाएंगे, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन हाँ, जरा होशियार रहिएगा। मियां तुम्हें महल में ले जाने का इंतजाम हम करते हैं, बस हमारे साथ बने रहना।
रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप लोग? क्या हमें अंदर जाने की अनुमति है? हमें शहजादी रजिया से मिलना है। माफ कीजिएगा, लेकिन पहचान पत्र के बिना हम दाखिल होने नहीं दे सकते। अरे जाने दो भाई, ये शहजादी रजिया की सहेलियां, उन्हें अच्छे से जानती हैं। पर आपको हमारे बारे में कैसे पता? जी शहजादी को जो प्रसाद आपने दिया था, उसके बारे में हमें क्या? सबको पता, इन्हें भी मालूम। हाँ हाँ, आइए अंदर आइए, चलिए। क्षमा कीजिएगा, भाई हमें तो सुल्तान यल्दोज के ताज की फिक्र है, पर तुम्हें देखकर ये जान पड़ता है कि होने वाली उनकी बेगम की हल्दी ही चुरा बैठे। काश कि तुम्हारी बात सच हो, ताज की तरह हम उनकी बेगम भी चुरा पाते तो क्या बात होती। आप सब इतनी दूर से हमारे लिए हल्दी लेकर आए, सच में इस बात की हमें बहुत खुशी है। अरे कैसे नहीं आते, रिश्ता जो ठहरा अपनी बिटिया के साथ और बिटिया की हल्दी में मायके वाले नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? जानती हैं, आज हमें हमारी अम्मी की बहुत याद आ रही थी, पर देखिए आज आप सब हमारे पास आ गए। सच में हम बहुत खुशकिस्मत हैं। अच्छा बिटिया, हम चलते हैं। सदा खुश रहो बिटिया, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आप किसी भी मजहब के निभा लें, लेकिन निकाह तो आपका सुल्तान याल्दोज से ही होना है। शहजादी, हमें हुकूमत से हटाने के लिए आपने क्या क्या दाव पेच खेले, क्या क्या तिगड़म लगाए, मगर सब जाया गए। शर्म हया को ताक पर रखकर आप सुल्तान भी बनी, मगर क्या हुआ, एक अदना सी कनीज की तरह आपकी डोली बड़ी बेआबरू होकर इस महल से जा रही है। बड़ा अफसोस होता है हमें जब भी तन्हाई में आपके बारे में सोचते हैं कि क्या निकाह के बाद सुल्तान याल्दोज आप पर नजर डालेंगे भी या नहीं। गजनी के हरम के किसी कोने में पड़े रोते रहिएगा, दिल्ली सल्तनत की याद में आंसू बहाते। खबरदार शातुरकन, हमारी फिक्र करने से पहले जरा अपने बारे में सोचिए। गजनी सल्तनत की होने वाली मलिका हैं, तमीज से पेश आइए हमसे
वरना हमारे एक इशारे पे आप और आपका वो निकम्मा बेटा दिल्ली सल्तनत के तख्त से जुदा कर दिए जाएंगे, या फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कब दिल्ली सल्तनत गजनी का एक सूबा बन गया।